नमस्कार दोस्तों, आज यानी 25 जून 2021 को भारत सरकार की ओर से एक सर्कुलर नंबर 12 बटे 2021 जारी किया गया। इस सर्कुलर के थ्रू सीबीडीटी ने इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स में कुछ एक्सटेंशन दिए। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह पेंडेमिक यानी कोविड-19 की दूसरी लहर, जिससे लोग प्रभावित हुए बुरी तरह से, और दूसरा जो इनकम टैक्स का नया पोर्टल आया उसका रिस्पॉन्स बहुत स्लो आ रहा है। मेरा मानना है सर, 7 जून से जो पोर्टल इफेक्टिव हुआ और आज मैं 25 जून को ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक भी इनकम टैक्स पोर्टल अपने इफेक्टिव फॉर्मेट में लागू नहीं हो पा रहा। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड लुक इनटू। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसी पर्पज से आज की डेट में कुछ एक्सटेंशन दे दिए, लेकिन सर दिस हैज टू बी थॉट अबाउट बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कि वाई देर आर सच अ बिग ह्यूज प्रॉब्लम्स विच आर बींग फेस्ड पर्टिकुलरली इन द करंट टाइम वेन पीपल एट लार्ज आर ऑलरेडी फेसिंग द पैंडेमिक इशूज, एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो नाउ फेसिंग द इनकम टैक्स साइट रिलेटेड इशूज। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। क्या क्या महत्वपूर्ण एक्सटेंशन आए हैं नॉर्मल पब्लिक एट लार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपके सामने यहां पर रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं एक्सटेंशन फॉर कैपिटल गेन रीइन्वेस्टमेंट। ये कोविड-19 की वजह से दिया गया रिलीफ है। मैं इसकी सराहना करता हूं कि भारत सरकार ने इस विषय में विचार किया। भारत सरकार कह रही है इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स, पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन और सच अदर एक्शन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड फॉर द पर्पजेज ऑफ क्लेमिंग एनी एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 to 54 GB, फॉर विच द लास्ट डेट ऑफ सच कंप्लायंस फॉल्स बिटवीन 1 अप्रैल 2021 टू 29 सितंबर 2021, बोथ डेज इंक्लूसिव, मे बी कंप्लीटेड अप टू 30 सितंबर 2021। सरल शब्दों में बोलूं तो आपको यह समझाना चाहता हूं, यह भारत सरकार ने क्या रिलीफ दी है सर्कुलर के थ्रू, कि अगर आप कैपिटल गेन की एग्जम्पशन का फायदा उठाना चाह रहे हैं और आपके कोई इन्वेस्टमेंट की डेट फॉल कर रही थी 1 अप्रैल 2021 से 29 सितंबर 2021 के बीच में, तो वो डेट बढ़कर के 30 सितंबर 2021 तक चली गई। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को सर 25 मई 2021 तक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लेना था। अब क्योंकि वो पेंडेमिक की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो उनके लिए नई ड्यू डेट कितनी हो जाएगी? 30 सितंबर 2021। अपनी इसी बात को दोस्तों आगे मैं दो एग्जाम्पल्स के रूप में आपके समक्ष रखता हूं। तो दोस्तों, दो एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है मिस्टर ए हु सोल्ड अ रेजिडेंशियल हाउस ऑन 1 जनवरी 2021 रिजल्टिंग इन अ कैपिटल गेन ऑफ ₹35 लाख। ही विश टू इन्वेस्ट सच कैपिटल गेन इन NHAI बॉन्ड। द ड्यू डेट फॉर सच इन्वेस्टमेंट वुड बी 30 जून 2021, बट ड्यू टू दिस सर्कुलर, यानी ये सर्कुलर नंबर 12/2021 दोस्तों जो आया, अब उनकी ड्यू डेट बढ़ के कितनी हो जाएगी? 30 सितंबर 2021, यानी उन्हें एक्सटेंशन मिल गया एक तरीके से 3 महीने का। दूसरा उदाहरण देखिए, मिस्टर बी हु सोल्ड अ प्लॉट ऑन 10 अप्रैल 2019 विद अ कैपिटल गेन ऑफ ₹45 लाख। ही इन्वेस्टेड द अमाउंट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ऑन 11 जनवरी 2020। हिज 2 ईयर्स पीरियड फॉर द एक्विजिशन ऑफ न्यू हाउस वुड बी एक्सपायरिंग बाय 10 अप्रैल 2021, बट ड्यू टू दिस सर्कुलर नाउ ही मे एक्वायर अनदर रेजिडेंशियल हाउस अप टू 30 सितंबर 2021 इवन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, कि सेक्शन 54F ये कहता है कि आपने एक प्लॉट बेचा और अब आप नया रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं, तो अब आपका जो पर्टिकुलर कैपिटल गेन का एग्जम्पशन था आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड या तो आप नया हाउस खरीद लें या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डालें और विद इन 2 ईयर नया रेजिडेंशियल हाउस बना लें। अब इन सज्जन का 10 अप्रैल 2021 को 2 साल का पीरियड खत्म हो रहा था, तो उनको भी ड्यू डेट एक्सटेंड होकर के अब कितनी चली गई? 30 सितंबर 2021, यानी 30 सितंबर 2021 तक अगर मिस्टर बी नया मकान एक्वायर कर लेते हैं तो उनका कैपिटल गेन का एग्जम्पशन यथावत कायम रहेगा। अगला एक्सटेंशन जो महत्वपूर्ण है सर, वो चैरिटेबल ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एंटिटीज। आपको जैसा ध्यान होगा सर, सेक्शन 1023C की क्लॉज 4, 5, 6 या 6A की संस्थाएं हैं, 12AB के अंदर यानी जो पहले से ट्रस्ट रजिस्टर्ड है उनको अब 12AB के अंदर री रजिस्टर होने के लिए कहा गया, या नई रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस नए बनने वाले ट्रस्ट के लिए 12AB में रखी गई, सेक्शन 35 या 80G के रजिस्ट्रेशन की बात करता हूं जहां री रजिस्ट्रेशन की बात हुई है, फॉर्म 10A 10AB भरना होता है सर, और उसकी लास्ट डेट थी 30 जून 2020,
ये कोविड की वजह से आया रिलीफ नहीं है सर, मेरा मानना है ये रिलीफ बेसिकली इनकम टैक्स पोर्टल के सही काम नहीं करने की वजह से आया भी रिलीफ है। तो यहां भी सरकार ने डेट बढ़ा करके दोस्तों 31 अगस्त 2021 कर दी है। इश्यूएंस ऑफ फॉर्म 16। नेचुरली सर, सैलरीड पेड एम्प्लॉयज के लिए फॉर्म 16 एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो फॉर्म 16 इशू करने की जो ड्यू डेट है सर, उसको बढ़ा करके 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। यानी यू हैव टू वेट इफ यू हैव नॉट येट रिसीव योर फॉर्म 16 अप टू 31st of July। और ध्यान रखिएगा सर कि इस साल असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न नॉर्मल केसेस में सरकार ने 30 सितंबर 2021 रखी है। तो जब 31 जुलाई 2021 तक आपको फॉर्म 16 मिले, नया इनकम टैक्स का पोर्टल अच्छे से फंक्शनल हो जाए और साथ साथ आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल हो, तो आप 30 सितंबर 2021 तक अपनी रिटर्न बिना किसी प्रकार की बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग की फीस दिए जमा करा सकते हैं। टीडीएस रिटर्न फॉर फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के चौथे क्वार्टर के लिए सर, जो टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट पहले बढ़ाकर के 30 जून 2021 तक ले गए थे, उसको फर्दर सर 15 जुलाई 2021 तक कर दिया गया है। बिकॉज किसी वजह से जो टीडीएस डिडक्टर्स हैं, पेयर्स हैं, वो अपनी रिटर्न टाइमली नहीं जमा करा पा रहे होंगे, तो उनको भी ड्यू डेट में एक्सटेंशन देकर के 15 जुलाई 2021 तक डेट दी गई। दोस्तों कुछ और एक्सटेंशंस भी इस पर्टिकुलर सर्कुलर नंबर 12/2021 से सरकार ने दिए हैं, जो जनता जनार्दन से संबंधित इतने नहीं है इसलिए मैंने उनकी यहां पर चर्चा नहीं करी, परंतु इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस सर्कुलर का लिंक संलग्न कर दिया है, ताकि आप उस सर्कुलर को अगर एक बार पढ़ना चाहें तो आपके नजर से उसको गुजार सकते हैं। तो मुझे सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। पर मैं जाते जाते एक बार फिर भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पोर्टल को, इनकम टैक्स पोर्टल को जल्दी से जल्दी दुरुस्त बनाने पर बहुत तेजी से काम करना चाहिए।